कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही फेवरेट होती है सबकी। और जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी को शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि हम लाहौरी फ़िश किस तरह घर में बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ईजी तरीके के साथ। सेम ऐसे जैसे हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बाहर रेस्टोरेंट्स या ढाबा वगैरह में जाकर खाना पसंद करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी सी बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी, अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस। सेकेंड ये कि अब चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी को करते हैं हम प्रॉपरली स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाहौरी फिश बना रहे हैं जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है फिश। यहाँ मैंने ले ली है 1 kg मैंने फिश ले ली है जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और उसको अच्छी तरह ड्राई कर लिया है और इसमें ज़रा बराबर भी पानी मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करनी है, मैंने यहाँ पर इसमें ऐड करना है 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, 1 teaspoon काली मिर्च डालनी है, 1 teaspoon मैंने धनिया पाउडर डालना है, 1 teaspoon मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डालनी है पिसी हुई और 1/2 teaspoon हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी, ठीक है जी। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 1 teaspoon अनारदाना डालेंगे। इसके अलावा जो हमने इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है, 1 teaspoon हमने इसमें शामिल करना है नमक, 1 teaspoon हम इसमें शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 teaspoon हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 teaspoon हमने इसमें कलौंजी शामिल कर दी है और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद हमने यहाँ पर अंडा ले लिया है, उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं फेंटा, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि मैंने यहाँ पर 1 अदद अंडा ही लिया है। और साथ ही यहाँ मैंने 3 tablespoon भर के मैंने यहाँ पर ले लिया है बेसन जिसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 tablespoon मैंने अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट ले लिया है और 2 tablespoon मैंने यहाँ पर ले लिया है हरा धनिया। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमें रिक्वायर्ड है लाहौरी फिश बनाने के लिए जो कि बहुत जायकेदार, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। रेसिपी को हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं और जिसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक बॉल ले लिया है और बॉल में हमने ये शामिल करना है 3 tablespoon जो हमने यहाँ पर ले लिया है बेसन वो मैंने इसमें यहाँ पर शामिल कर दिया है। और बेसन डालने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी पिसा हुआ ज़ीरा जिसको मैंने भून लिया था और इसमें इसमें शामिल करना है। साथ ही नमक हम डालेंगे, सफ़ेद साबुत ज़ीरा डालेंगे और कलौंजी जो है वो इसमें जाएगी। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और जो अनारदाना यहाँ पर है वो हमने इसमें ऐड करना है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगेन इसके अंदर जाएंगे और हमने इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं जो कि मैंने आपको बताए थे अभी। इसके अलावा यहाँ हमने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, तो यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं 1 tablespoon जो हरा धनिया लिया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ जिसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल करना है। तो मैंने इसमें हमने यहाँ पर जो हरा धनिया लिया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब हमने इसका अच्छी तरह मिक्सचर बना लेना है। तो इसको मैं अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेती हूँ। अगेन मैं इसका क्या स्टेप करूँगी आप बिल्कुल गौर से देखिए। सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और अपने हाथों की ही मदद से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि जो मिक्सिंग होती है वो आप अपने हाथ से करें ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छे तरीके से हो रहा है पानी ताकि ये अच्छा सा जो इसका बैटर है वो तैयार हो जाए और जब हम इसमें फ़िश पे लगाएं तो ये फ़िश के ऊपर से ना निकले और ये बिल्कुल अच्छी तरह इसमें एडजस्ट हो जाए। यहाँ मैंने मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी अंडा जो मैंने 1 अदद ले लिया था, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर मैंने मसाले को अच्छी तरह अंडा डालकर मिक्स कर लिया है जो मैंने इसमें बैटर बनाया था थिक सा, इसमें मैंने अंडा डालकर इसको थोड़ा
थीन कर लिया है ताकि हम जब इसमें है ना मछली को ऐड करें तो उस पर अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। अब मैंने यहाँ पर एक मछली का पीस ले लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह इसमें कोट करना है, और हाथों की मदद से आपने इसके ऊपर मसाले को लगाना है ताकि जो आपकी जो मछली है उसके ऊपर ये जो कोटिंग है मसाले की वो बहुत अच्छी तरह हो। तो इस तरह यहाँ मैंने एक अदद फिश का पीस ले लिया था और उसको मैंने इस मसाले के अंदर अच्छी तरह कोट कर लिया है, और अपने हाथों की मदद से मसाला लगाना है ताकि इसके हर एक पार्ट के अंदर अच्छी तरह जो मसाला है वो एडजस्ट हो जाए। तो इसी तरह करके मैंने जितनी पीसेस यहाँ पर ले लिए हैं उनको मैं इस पेस्ट के अंदर अच्छी तरह कोट कर लूँगी। देन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी जो फिश है उसको मैंने अच्छी तरह कोटिंग कर ली है मसाला लगाकर, और देखिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत से इसका कलर आ गया है। यकीनन ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। अब इसका एक स्टेप है वो ये है कि अब आपने क्या करना है, इसको 1 आवर के लिए आपको फ्रिज में रख देना है ताकि ये जो मसाला हमने इसमें लगाया है वो इसमें अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए। तो मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ, देन मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए कितना खूबसूरत और कितना खूबसूरत और कितना प्यारा इसका कल लुक आया है। इसको मैंने 1 घंटे तक फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छी तरह इसमें जो मसाला है वो एडजस्ट हो गया है, और अब मैं इसको कर लूँगी फ्राई। तो फ्राई हमने इसको किस तरह करना है ये आपको बताती हूँ, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारी जो लाहौरी फिश होती है वो डीप फ्राई ही होती है, तो हमने इसको फ्राई करना है और इसको बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। तो मैं इसको फ्राई करूँगी, देन इसको गोल्डन ब्राउन कलर दूंगी और लो फ्लेम पे इसको कुक करूँगी ताकि अच्छी तरह अंदर से टेंडर हो जाए। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल और इसको मैंने कर लिया है अच्छी तरह गरम। ये बहुत अच्छी तरह गरम हो गया है, और अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 करके हमने जो पीसेस हैं वो हमने इसमें ऐड करते जाना है और उसको करते जाना है फ्राई। तो मैं 1 बाय 1 करके मैं इसमें सारे पीस जो है वो मैं ऐड करती जाऊंगी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करूंगी कुक। यहाँ मैंने जो फिश के पीसेस थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको करूंगी कुक ताकि इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया है, और मैंने इसको पलट दिया है और अब मैं इसको दूसरी साइड से कर रही हूँ कुक। मैंने 5 मिनट इसको इस तरह कुक किया बिल्कुल लो फ्लेम पे, और सेकेंड साइड को मैं 5 मिनट तक ही कुक करूंगी। 10 मिनट तक हमने मिनिमम इसको कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे ताकि ये अच्छी तरह टेंडर हो जाए और इसका गोल्डन ब्राउन सा इसी तरह कलर आ जाए। तो मैंने इसी तरह करके सारी फिश को कर लेना है फ्राई। देन स्टेप क्या होगा, इसको फाइनल टच देना होगा, हमने प्रेजेंट करना होगा। वो कैसे देंगे ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह मजेदार सी हमारी लाहौरी फिश हो गई है कम्प्लीटली और परफेक्टली रेडी, जो कि बहुत क्रिस्पी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी होती है, सबकी फेवरेट होती है। और सर्दी में मछली खाने का तो मज़ा ही अलग होता है, सर्दी में आप फिश खाएं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, उसकी आप इंजॉयमेंट आपकी एक अलग ही होती है, खुशी होती है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर होती है, एनर्जेटिक होती है और आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती है सर्दियों में। तो अगर आपको हमारी ये सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो रेसिपी को करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और इसको खाने का तरीका ये है कि आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खाएँ, जो कि बहुत मज़ेदार सा इसका फ्लेवर मज़ीद डेवलप कर देती है और बहुत ही टेस्टी सा आता है इसका फ्लेवर। और ग्रीन चटनी जो होती है वो फिश के साथ खाना तो समझ लें इसकी जान होती है, इसकी शान मज़ीद बढ़ा देती है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।